नमस्कार दोस्तों, स्पीति टूर के सातवें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर जाएंगे ग्यू विलेज से लेकर ताबो विलेज तक। ताबो विलेज फेमस है ताबो मोनेस्ट्री के लिए, जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। ताबो मोनेस्ट्री के बाद दोस्तों हम आपको ताबो से लेकर काजा तक की जर्नी के बारे में भी बताएंगे। लास्ट एपिसोड में आपने हमारी पांचवें दिन की जर्नी देखी थी, जिसमें हम नाको से ग्यू विलेज तक आए थे। ग्यू विलेज फेमस है एक ऐसी मम्मी के लिए जो लगभग 550 साल से ज़्यादा पुरानी है और बिना किसी प्रिजर्वेशन के आज भी सुरक्षित है। बुद्धिस्ट मोंक सांगा तेंजिन की इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ते हैं। अगर आपने वो वीडियो किसी वजह से मिस कर दिया है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर क्लिक करके और मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी उस वीडियो को देख पाएंगे। तो फिर दोस्तों बिना देर किए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। ग्यू विलेज से लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके वापस हम हाईवे के उस पॉइंट तक पहुंचे जहां से ग्यू विलेज के लिए सड़क निकलती है। इस पॉइंट से ताबो विलेज का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 25 किलोमीटर का रह जाता है। ब्यूटीफुल माउंटेन्स के एक डिफरेंट टेरेन के साथ एक छोटी सी सड़क पर हमारा सफर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हमें ITBP के वो जवान पेट्रोलिंग करते हुए फिर से मिल गए जो जाते वक्त ग्यू विलेज की ओर जाने वाली सड़क पर बैठे हुए थे। ITBP के जवानों की ये टीम इन माउंटेन्स में कई किलोमीटर तक डेली पैदल ही पेट्रोलिंग करती है। थोड़ी देर के बाद हम हर्लिंग विलेज पहुँच चुके थे। हर्लिंग विलेज एक छोटा सा गाँव है जो शिमला काजा हाईवे पर पड़ता है। हर्लिंग विलेज के बाद दोस्तों आप सीधे चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। जी हाँ, चौंकिए मत, यहाँ भी चंडीगढ़ नाम का एक गांव मौजूद है। इस रूट पर लगभग सभी छोटे छोटे गांवों में होमस्टे वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप किसी वजह से रास्ते में लेट हो जाते हैं या लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से कहीं फंस जाते हैं तो आपको रात बिताने के लिए आसपास के गाँव में रहने की फैसिलिटी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोड की कंडीशन अभी तक ठीक ठाक है, लेकिन कई जगह पर काफ़ी डस्ट भी फेस करनी पड़ रही है। अगर आप लोग बाइक या विदाउट AC गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि यहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है जो आपकी स्किन, आइज और नोज़ वगैरह को काफ़ी सुखा देती है। इसलिए अगर आप स्पीति टूर प्लान करते हैं तो आप यहां आते वक्त मॉइस्चराइज़र, लिप गार्ड और आई ड्रॉप्स वगैरह लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सफ़र के बीच में कुछ खूबसूरत मोड़ भी आते हैं, जहां पर कुछ देर रुकना और उस व्यू को बस देखते रहना एक अलग ही सुकून देता है। अपनी खुद की गाड़ी से ट्रैवल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पर आप आराम से रुक सकते हैं, आपको कोई जल्दी के लिए नहीं कहेगा। यहाँ हमें कुछ हरियाली देखने को मिल रही है और इस तरह के टेरेन में ये थोड़ी सी हरियाली भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। भीड़ भाड़ से भरे हुए शहरों से आने वाले राइडर्स और ड्राइवर्स के अंदर इस तरह के मैजेस्टिक माउंटेन्स के बीच में खाली रोड्स पर ड्राइव करना एक काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। यहाँ गाड़ी चलाते वक्त जोश के साथ साथ होश भी रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि रोड छोटे हैं और कई बार आगे पीछे कोई गाड़ी होती नहीं है और रोड पर कई जगह बजरी वगैरह पड़ी होती है, जिसकी वजह से एकदम से ब्रेक लेने पर गाड़ी स्किड हो सकती है और आगे पीछे कोई गाड़ी ना होने की वजह से और एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई होने की वजह से एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं और हेल्प मिलने की संभावना काफ़ी घट जाती है। इसलिए स्पीड पर कंट्रोल रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। स्पीति की ये वैली जिन व्यूज़ के लिए फेमस है वो अब हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आपको एक माउंटेन्स की डिफरेंट टाइप की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नज़दीक से देखने पर ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत सारे ब्राउन रेत को लाकर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। ग्यू विलेज से लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद हम लोग ताबो
पहुंच गए हैं। हमें सामने वाले टी पॉइंट से लेफ्ट टर्न लेकर ताबो मोनेस्ट्री जाना था, लेकिन हम लोग गलती से थोड़ा आगे निकल गए। हमें आगे जाकर यू टर्न लेना पड़ा। अब हम राइट साइड में मोनेस्ट्री की ओर जाएंगे। स्पीति वैली के सभी गांवों की तरह ताबो भी एक छोटा सा गांव है जो स्पीति नदी के किनारे पर बसा हुआ है। स्पीति घाटी के सभी गांवों की आबादी कुल मिलाकर लगभग 10,000 के करीब है। लद्दाख और स्पीति की दूसरी मोनेस्ट्री गांव के सबसे ऊंचे एरिया में बनी हुई होती हैं। उसके विपरीत ताबो विलेज एक बाउल शेप फ्लैट वैली में बसा हुआ है और ताबो की यह मोनेस्ट्री वैली के बिल्कुल बॉटम में सिचुएटेड है। हम लोग मोनेस्ट्री के पार्किंग एरिया में पहुंच गए हैं। हमें अपनी गाड़ी यहीं छोड़कर सामने बने हुए प्रवेश द्वार से अंदर जाना होगा। पार्किंग के चारों तरफ काफ़ी सारे होटल, होम स्टेज और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ताबो और आप मेरे पीछे ताबो मोनेस्ट्री का मेन गेट देख सकते हैं। मेन गेट से अंदर एंट्री करने पर हमें मोनेस्ट्री का वो पोर्शन नज़र आता है जो 1983 में बनाया गया था। 1975 के अर्थक्वेक के बाद ये असेंबली हॉल 1983 में बनाया गया था, जिसको बुद्धिस्ट लैंग्वेज में दुकांग भी कहते हैं। यहीं पर 14वें दलाई लामा जी के द्वारा 1983 और 1996 में कालचक्र सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया था। मोनेस्ट्री के ऊपर की ओर खड़ी चट्टानों में बनी हुई गुफाएं आप देख सकते हैं। ये गुफाएं बुद्धिस्ट लामा के द्वारा मेडिटेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। इनके अंदर एक असेंबली हॉल भी अवेलेबल है और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों आता है उस पुरानी और ऐतिहासिक मोनेस्ट्री का मेन गेट, जिसके लिए ताबो विलेज फेमस है। ताबो की इस मोनेस्ट्री को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है और इसकी देखरेख ISI के द्वारा की जाती है। अंदर की ओर आने के बाद आप मोनेस्ट्री का मुख्य परिसर सामने की ओर से देख सकते हैं। ताबो मोनेस्ट्री मिट्टी से बनी हुई है, इसलिए ये एकदम मड हाउस के जैसे दिखाई देती है। अब हम मोनेस्ट्री के अंदर बने मेन टेंपल की ओर चलते हैं, जहाँ किसी भी किस्म की फोटोग्राफी और फ्लैशलाइट का यूज़ अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर की कोई भी तस्वीर नहीं दिखा पाऊँगा। दोस्तों, अंदर किसी भी किस्म की फोटोग्राफी और फ्लैशलाइट का यूज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप कोई भी कैमरा, मोबाइल या फ्लैशलाइट यूज़ नहीं कर सकते। अंदर बिल्कुल गुप्त अंधेरा है और आपको अंदर की प्रतिमाएं देखने के लिए टॉर्च का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर के बाद आपकी आंखें अंधेरे के हिसाब से सेट हो जाएगी और जब आप पूरा राउंड लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आप अंधेरे में भी देख पा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा सनलाइट के लिए उन्होंने जगह छोड़ी हुई है, उसकी रोशनी इतनी है कि आप थोड़ी देर के बाद बिना टॉर्च के भी आप आराम से अंदर देख पाएंगे। नए और पुराने दोनों तरह के आर्किटेक्चर से मिलकर बनाई हुई यह ताबो मोनेस्ट्री बाहर से देखने पर जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, अंदर से भी ये उतनी खूबसूरत और अद्भुत है। ताबो मोनेस्ट्री को इसके मेन टेंपल के अंदर बनी हुई खूबसूरत और अद्भुत तस्वीरों की वजह से अजंताज ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। इस मोनेस्ट्री को एक किले की तरह बेहद ही मजबूती से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी से बनी हुई दीवारें लगभग 3 फुट तक चौड़ी हैं। दीवारों की ज़्यादा चौड़ाई और मजबूती से बनी हुई होने की वजह से यह मोनेस्ट्री इतनी सारी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बावजूद भी आज हजारों साल बाद सुरक्षित है। मोनेस्ट्री के अंदर मुख्य मंदिर को मिलाकर कुल 9 मंदिर हैं, 4 स्तूपा और 23 चौटेंस मौजूद हैं। इसके अलावा मॉन्क्स क्वार्टर और एक नन हाउस भी मौजूद है। लगभग 45 मॉन्क अभी भी यहाँ पर रहते हैं। मोनेस्ट्री के अंदर मंदिर परिसर में दीवारों के ऊपर लगभग 33 बोधिसत्व की तस्वीरें बनाई गई हैं, जो प्राकृतिक रंगों से बनी हुई हैं और उनकी पहचान के लिए उनके नाम उनके आगे लिखे गए हैं। हजार साल पहले प्राकृतिक रंगों से बनाई गई ये मूर्तियां आज भी देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ताबो मोनेस्ट्री की इस खूबसूरत, कभी न भूलने वाली मेमोरीज के साथ हम अपना सफ़र दोस्तों लंच करने के बाद काजा की ओर जारी रखेंगे, जिसके बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।